आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की नेत्री और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का दिल्ली के एम्स में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को रात 10 बजे एम्स में भर्ती किया गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सुषमा स्वराज की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसी वजह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। एम्स के सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज को सीधे आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेत्री का 2016 में गुर्दा प्रत्यारोपित किया गया था। 9 बार सांसद रही सुषमा स्वराज आम लोगों में अपार लोकप्रिय थीं। उनको ट्विटर पर 1,20,00,000 से ज़्यादा लोग फॉलो करते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थीं सुषमा स्वराज। सन 1977 में सबसे कम उम्र की राज्य मंत्री बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी रहीं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। घबराहट होने की शिकायत के बाद रात 9:26 पर सुषमा को एम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी प्रयासों के बाद भी उनकी जान नहीं बचा पाई, तो टीम में मौजूद 2 जूनियर डॉक्टरों की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर खुद को कंट्रोल कर पाते मगर भावनाओं के आगे वो हार गए और बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल 70 मिनट तक CPR और हार्ट को पंप करने के अलावा शॉक भी देने के बाद सुषमा स्वराज की धड़कनें वापस नहीं लौटी, तो उन्हें तत्काल जीवन रक्षण उपकरण यानी वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया। इसके बावजूद सुषमा के शरीर ने सांस छोड़ना शुरू कर दिया था। डॉक्टरों के आगे भी उस वक्त कुछ और करने को नहीं बचा था। निधन से 1 घंटे पहले सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में भारतीय वकील हरीश सालवे को उनकी 1 रुपए की फीस देने के लिए बुलाया था। सालवे ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव मामले की सुनवाई के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व 1 रुपए की फीस पर किया था। हरीश सालवे ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि निधन से करीब 1 घंटे पहले उन्होंने सुषमा स्वराज से बात की थी और उन्होंने कहा, मैंने रात 8:50 पर उनसे बात की। ये एक बहुत ही भावनात्मक बातचीत थी। उन्होंने कहा कि आओ और मुझसे मिलो, जो केस आपने जीता है उसके लिए मुझे आपको आपका 1 रुपया देना है। मैंने कहा कि बेशक मुझे वो कीमती फीस लेने के लिए आना है, और उन्होंने कहा कि कल 6 बजे आना। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मध्य प्रदेश और भोपाल से ही खास नाता रहा है। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रही है और इसके साथ ही विदिशा से 2 बार लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए। विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने की संभावना टटोली थी, लेकिन पार्टी की कई समीकरणों की वजह से सुषमा स्वराज विदिशा से चुनाव लड़ी। नाश्ते में अक्सर गोभी के पराठे खाना पसंद करती थी। सुषमा स्वराज और उनके परिवार के करीबी रहे पूर्व विधायक जितेंद्र डायगा बताते हैं कि 2009 में जब लोकसभा चुनाव आया तो हमने उनसे कहा कि भोपाल से आप करीब 2,00,000 वोटों से जीत सकती हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी में भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए बातचीत भी की थी, लेकिन भाजपा के अंदरूनी समीकरण की वजह से उन्होंने फैसला बदला। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर वो विदिशा से चुनाव लड़ी। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बिल लोकसभा में भी पास हो गया है। अब इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सरकारी गजट नोटिफिकेशन के बाद दोनों प्रदेशों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विधान परिषद को भंग और समाप्त कर दिया जाएगा, जहां के सारे पेंडिंग बिल लैप्स हो जाएंगे। बंटवारे के बाद लद्दाख की राजधानी लेह होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में राजधानी को लेकर अभी अंतिम फैसला बाकी है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 6-6 महीने के लिए जम्मू और श्रीनगर को राजधानी माना जाता है। राष्ट्रपति की ओर से अगली व्यवस्था होने तक वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ही होंगे। वो मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल हैं। इसकी घोषणा अभी राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। और आप दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए एस न्यूज़। आप देख रहे हैं एस न्यूज़, खबरें हर पल की।